आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और उस परंपरा में आठवें आचार्य परम पूज्य कालुगनी हुए, जो छापर से संबंधित हैं और जिनसे संबद्ध क्षेत्र छापर में अभी हमारा चतुर्मास का क्रम वैसे चल रहा है और इसके बीच में ही हम आज चारवास आ गए। चतुर्मास तो वैसे छापर का है, अब छापर चतुर्मास का एक छोटा सा खंड मानो चारवास को हमने दे दिया, दो भी छोटा सा एक खंड हमने चारवास को भी हमने सन 2022 के चतुर्मास का अपना थोड़े से अंश में सहभागी मानो बना दिया है। तो चारवास आना हुआ है और चारवास का दिन हमने कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी रखा है और परम पूज्य कालुगनी के दिन के संबंधित क्षेत्र में चतुर्मास मूलतः हो रहा है, उन्हीं के सुशिष्य आचार्य तुलसी थे, तो हमारे धर्म संघ के कालुगनी के अनंतर उत्तराधिकारी बने, नवमे आचार्य बने और आचार्य तुलसी के अनंतर उत्तराधिकारी और कालुगनी के द्वारा दीक्षित उनके सुशिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बने। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन काफी समय तक साथ साथ बीता है, दोनों साथ साथ बहुत रहे। इतने लंबे समय तक दो व्यक्तित्वों का साथ साथ रहना एक विशेष बात है कि आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को बचपन से कितना उनका ध्यान दिया होगा, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितना गुरुदेव तुलसी को सहयोग दिया होगा।